सदर सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री द्वारा टीवी के माध्यम से बताए जाने के बाद उन्होंने खुद आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया और लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ साथ संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के सभी नागरिकों से भी डाउनलोड करने का आह्वान किया, जिसका एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें सदर सांसद रवि किशन ने अनुरोध करते हुए कहा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाएं और वहां आरोग्य सेतु ऐप टाइप कर इस ऐप को डाउनलोड करें, जिससे आम जनता सुखी हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ सदर सांसद ने अपने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि वो स्वयं इस ऐप को डाउनलोड करें और सभी को प्रेरित भी करें, ताकि एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए। इस संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने अपने वीडियो संदेश में कहा, ये ऐप आप लोग देख रहे हैं, मैंने इससे आरोग्य सेतु ऐप इसको मैंने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है। सो ये ऐप आपको, जैसे हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये आरोग्य सेतु ऐप को हम सबको समझना चाहिए, इसको सब लोग डाउनलोड करें, जितना भी लोग हमारा के सुनताड़ने जा ई भैया आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस से लड़े खातिर एगो राम बाण बा, ओकरा में कुल देशी नुकसान सारी चीजें बताई गई हैं। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, इस वक्त इम्यूनिटी सिस्टम अपने अंदर के स्ट्रेंथ को, शरीर के अंदर को कैसे स्ट्रांग करना है, कैसे अपने आप को आप इस वायरस से लड़ने के लिए इस माहौल में जहां पर पूरा विश्व घबराया हुआ है, कैसे अपने आप को हम लोग बचा सकते हैं, वो सारी बातें आपको इस ऐप के द्वारा पता चलेंगी। और इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करें, और ये ऐप को जैसे हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारे जितना भी बिहार यूपी जितना भी भोजपुरिया समाज बा सब लोगों से हमार रवि किशन का और हमारे खासकर हमारे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से सब लोगों से निहोरा बा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें कृपया, और जनवाए लोगों को ये ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। जय हो, कृपया ही बात के याद रखिए, आई रिपीट, आरोग्य सेतु ऐप। जय हिंद, भारत माता की जय।